डीआईजी एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी गंगाधर धवल जायसवाल व सीओ सोराव अमित सिंह के निर्देश में सोराव थाना प्रभारी आशुतोष तिवारी के कुशल नेतृत्व में व क्राइम ब्रांच गंगापार की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 एटीएम कार्ड, कुल 23,500 रुपए, 3 मोबाइल फोन, एक चिमटा व फॉर्चुनर गाड़ी बरामद की। आज थाना सुराव क्षेत्र के अंतर्गत थाना सुराव और क्राइम ब्रांच की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक एटीएम से माध्यम से फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इससे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक फॉर्चुनर गाड़ी, करीब 13 एटीएम, 25,000 रुपए की बरामदगी की गई है। ये व्यक्ति विभिन्न एटीएम में अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेकर जाते थे और उस इक्विपमेंट के माध्यम से एटीएम हैक करते थे, जिसके माध्यम से उनके कार्ड तो इंसर्ट होते थे लेकिन उनके पैसे नहीं कटते थे और पैसे निकल जाते थे। इस प्रकार से इन्होंने देश के विभिन्न कोनों में इस तरह की वारदातें की हैं और कई प्रकार से एटीएम को हैक करने की कोशिश की। हाँ, ये देश के विभिन्न शहरों पर जाके इस तरह की गतिविधियां करता था। इनकी आपराधिक इतिहास भी है और इनका एक गिरोह का एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसके लिए पुलिस की टीम ने अभी तक कुछ डाल रही है। प्रयागराज से रवि चंद्रा की रिपोर्ट।